राज्य योजना आयोग द्वारा राज्य के विकास से जुड़े विभिन्न विभागों का समूह बनाकर 13 विषयों पर कार्य दलों का गठन किया गया है, जिसमें प्रदेश और देश के अनुभवी विषय विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। विषय विशेषज्ञ राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, योजनाओं में आवश्यकता अनुसार सुधार एवं नई योजनाओं की जरूरतों के लिए 3 माह में सुझाव देंगे। इसके लिए टास्क फोर्स संयोजकों एवं उप संयोजकों के मार्गदर्शन के लिए योजना भवन नवा रायपुर में आज महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में आयोग के उपाध्यक्ष अजय सिंह ने टास्क फोर्स गठित करने के उद्देश्यों, राज्य योजना आयोग की भूमिका और आयोग के मूल सिद्धांतों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रशासकीय विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन, योजनाओं में परिवर्तन अथवा सुधार, नई योजनाओं की जरूरत आदि के निष्पक्ष आकलन के लिए टास्क फोर्स गठित की गई है। टास्क फोर्स द्वारा अगले 3 माह में प्राप्त सुझावों को शासन को प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने टास्क फोर्स के संयोजकों एवं उप संयोजकों को सक्रिय भागीदारी और सहयोग देने को कहा। उन्होंने कहा कि सुझाव प्रायोगिक हो, जिसे व्यवहारिक रूप से क्रियान्वित किया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास से जुड़े विषयों पर टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिनमें कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, पर्यावरण, जनजाति विकास, वन्य जीव प्रबंधन, लघु वनोपज आदि शामिल है। बैठक में मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा ने कहा कि कोविड महामारी ने अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है, नवा छत्तीसगढ़ कैसा होगा इसके लिए नई प्लानिंग के लिए टास्क फोर्स गठित की गई है। टास्क फोर्स के सुझावों से और बेहतर कार्य कर सकते हैं। उन्होंने टास्क फोर्स के संयोजकों को विषय विशेषज्ञों से संतुलन बनाकर आगे बढ़ने और उनके अनुभवों को लाभ लेने को कहा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास के लिए सुझावों, विचारों का दौर शुरू होने जा रहा है, इसका लाभ छत्तीसगढ़ को मिलेगा।